नमस्ते दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल के डंके की चोट कार्यक्रम में मैं राहुल आर्य का स्वागत करता हूं। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व इस राष्ट्र में महात्मा बुद्ध हुए, जिन्होंने मृत्यु पर्यंत वैदिक धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। किंतु उनके जाने के पश्चात उनके शिष्यों ने और कुछ स्वार्थी लोगों ने उनके नाम पर अपना एक अलग संप्रदाय, अपना एक अलग धर्म खड़ा कर लिया, जिसको नाम दिया गया बौद्ध धर्म। आज इस विषय की महती आवश्यकता है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है इस विषय को लाने के पीछे, क्योंकि आज हिंदू बड़े जो भारी संख्या में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और बौद्ध धर्म की ओर जा रहे हैं। वर्तमान समय में इसकी शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी, जब उन्होंने मनुस्मृति को जला करके बौद्ध धर्म अपनाया था। किंतु उनके साथ गिने चुने कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, अन्यथा सभी लोग हिंदू धर्म सनातन धर्म में बने रहे। और उसके पीछे भीमराव अंबेडकर जी की कुछ व्यक्तिगत जो है लोकेशनाएं थी, उनको जो दलित समाज था उनमें बना रहना था, उन पर अपनी पकड़ बनानी थी, जातियों में बांट करके वो अपनी एक राजनीतिक उनकी मंशा थी, जिसमें वो कहीं ना कहीं सफल भी हुए थे। दोस्तों, मूल विषय पर आते हैं। इस विषय को लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदुओं में इस विषय को लेकर के बड़ा भारी संशय है, तो इसको समाप्त करने का प्रयत्न करूंगा। मूल रूप से बौद्ध धर्म नाम का कोई भी धर्म था ही नहीं। जिनके नाम पर यह धर्म बनाया गया वो स्वयं वैदिक धर्मी थे, सनातन धर्मी थे। इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा हूं और आपको साक्ष्य और प्रमाण दूंगा इस बात के। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने पंच यहां पर जो पांच अपने उपदेश दिए थे, उन पांच उपदेशों को यहां पर बताया जाता, समझाया जाता आज मूल रूप से, जिनमें पहला है हिंसा नहीं करना, दूसरा है सत्य बोलना, और तीसरा है किसी भी परिस्थिति में हमें चोरी न करना, चौथा है मादक पदार्थों से दूर रहना, और पांचवा है हमें जो दुराचार व्याभिचार नहीं करना। ये पांच उन्होंने उपदेश दिए थे, इनको कहा गया पंचशील सिद्धांत। तो ये लिए कहां से गए हैं ये समझिए। महात्मा बुद्ध जी ने ये लिए थे कहां से? ये लिए थे मनुस्मृति से और याज्ञवल्क्य जी के धर्म सूत्रों से, महर्षि याज्ञवल्क्य जी, और उन्होंने ये लिए थे जो योग दर्शन से। अब जानिए कैसे लिए थे, क्योंकि ये पांचों के पांचों उपदेश वहां से लिए गए सीधा, ऐसे का ऐसे। अब कोई ये कह दे कि राहुल आर्य जो बात बताता वो इसकी घर की है, खुद की है, नहीं, मैं अपने ऋषि महर्षियों की, अपने शास्त्रों की बात बताता हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं है, तो यही मूर्खता इन लोगों ने की कि इसमें महात्मा बुद्ध का कुछ नहीं था। उन्होंने ऋषि महर्षियों की बातों का प्रचार प्रसार सामान्य जनता में किया, लेकिन स्वार्थी लोगों ने उनको भगवान बना करके कह दिया। ये सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने दिया, ये समस्या है। सब कहते हैं नमक का कानून सबसे पहले महात्मा गांधी ने तोड़ा, लेकिन ये गलत है। सबसे पहले यदि वर्तमान समय में ही देखा जाए तो सबसे पहले नमक का कानून महर्षि दयानंद सरस्वती ने तोड़ा था। तो ये चीजें कहीं ना कहीं एक इतिहास की घटनाओं को गलत रूप से देखने से बनती है। खैर, आप तथ्य और प्रमाण जानिए। हमारे यहां पर मनुस्मृति में छठे अध्याय में श्लोक आता, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, अर्थात 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं। उन 10 धर्म के लक्षणों में जो महात्मा बुद्ध ने बताए हैं पांच उपदेश, वो पांच के पांच उन 10ों में है। याज्ञवल्क्य जी ने क्या कहा है? अहिंसा सत्यम अस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह दानम दमो दया शांति ही सर्वेशम धर्म साधनम। अर्थात महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने जो बताया है अहिंसा, ऐसे का ऐसे महात्मा बुद्ध जी ने बताया। सत्य, सत्य ऐसे का ऐसे बता दिया। अस्ते अर्थात चोरी न करना, ऐसे कैसे बता दिया। शोचम इंद्रिय निग्रह, अब उन्होंने 2 शिक्षाएं और दी, मादक पदार्थों का सेवन ना करना और दुराचार व्याभिचार ना करना। ये दोनों इंद्रिय निग्रह में आ जाती है कि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। अब इंद्रियों पर नियंत्रण का अर्थ, ये दोनों उसमें आ गए। तो यहां पर पांचों के पांचों उपदेश महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने जो धर्म के साधन बताए हैं और मनुस्मृति में महर्षि मनु ने जो धर्म के लक्षण बताए हैं उनमें ही समाहित है, उनसे ही ये लिए थे। क्योंकि मनुस्मृति और महर्षि याज्ञवल्क्य जी
महात्मा बुद्ध से बहुत पहले के हो चुके हैं। रामायण में मनुस्मृति के ऐसे कैसे श्लोक हैं और श्री राम जी उन दोनों श्लोकों को पढ़ते हैं बाली के सामने। और आज नासा कह रहा है रामायण का राम सेतु 7,500 साल पुराना है। मैं कहता हूं 9,00,000 साल पुराना, 7,500 साल पुराने वो स्टोन पर परीक्षण किया है, उन पत्थरों पर परीक्षण किया है जो बीच बीच में उनको ठीक करवाते थे, उनकी मरम्मत करते रहते थे। आज से 700-800 वर्ष पहले भी यहां से श्रीलंका जाया जाता था इस रास्ते से, तो उसकी बीच बीच में मरम्मत होती थी, उन पत्थरों का परीक्षण करके 7,500 वर्ष निकाल लिया इन लोगों ने। तो इतना प्राचीन यहां पर उसमें मनुस्मृति के श्लोक, अर्थात महात्मा बुद्ध ने मनुस्मृति का यदि श्लोक लिया है तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत बाद के हो गए महात्मा बुद्ध, इन्होंने अपने ऋषि महर्षियों की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। अब बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपको देने जा रहा हूं, जिसके बाद कोई भी तथाकथित बुद्ध ये नहीं कह पाएगा कि हमारा अपना एक अलग धर्म है, अपना एक अलग संप्रदाय है। और मैं मानता हूं आज के बाद कोई भी मेरा भाई, हिंदू भाई, बुद्ध धर्म में जाने का साहस नहीं कर पाएगा। वो जानेगा कि हम अपने पूर्वजों को कहीं ना कहीं गाली दे रहे, अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे बुद्ध धर्म में जाकर, क्योंकि बुद्ध नामक कोई धर्म था ही नहीं। महात्मा बुद्ध ने वेदों का प्रचार प्रसार किया था, जानिए कैसे। धम्मपाद में महात्मा बुद्ध के जो उन्होंने अपने अलग अलग जगह व्याख्यान दिए थे, प्रवचन दिए थे, उनका संग्रह किया गया धम्मपाद। ये पाली भाषा में मूल रूप से पुस्तक है। धम्मपाद में महर्षि मनुस्मृति ने, मनुस्मृति के जो श्लोक है ऐसे के ऐसे चिपकाए गए, ऐसे के ऐसे, कोई उनमें अलग डिफरेंस नहीं, केवल भाषा पाली है लेकिन फिर भी पाली भाषा में और उसमें कोई अंतर नहीं, ऐसे कैसे लगा दिए। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में संस्कृत के काफी सारे श्लोकों को ऐसे का ऐसे उसमें लिख दिया, लेकिन भाषा वो लोकल हो गई, लोकल भाषा हो गई, शा की जगह सा कर दिया, का की जगह कु कर दिया, को कर दिया, तो ये एक अलग हो जाती। जैसे मराठी है, मराठी में बहुत सारे संस्कृत के शब्द, ऐसे कैसे, बस उसमें ओ कर दिया, ऊ कर दिया, ये इस प्रकार से थोड़ा अंतर रहता है, ऐसे ही पाली में रहता है। पाली में देखिए धम्मपाद में जो महात्मा बुद्ध में आप साइड में देख लेना, मनुस्मृति में आया है अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चतवारी तस्य वर्धन्तो आयुर्विद्या यशोबलम। अब इसको कैसे लिखा है धम्मपाद में जानिए। अभिवादन शीलस्य, शीलस कर दिया, वहां पर क्या था, शीलस्य अर्थात शुद्धता, वहां पर संस्कृत थी, यहां पर कर दिया अभिवादन शीलस्य, वहां पर नित्यम था, इन्होंने कर दिया नित्यम, वहां पर वृद्धोपसेविनः था, यहां पर कर दिया बुद्धा पचायिनो, अर्थात बुद्धा, वृद्ध को बुद्धा कह दिया गया धम्मपाद में, बुद्धा पचायिनो, ये महात्मा बुद्ध जी के प्रवचन से लिए गए हैं। ये धम्मपाद में है। धम्मपाद में आप 8वें अध्याय का 10वां सूत्र देख लेना जाकर के, जो मैं पढ़ रहा हूं, चत्तारो धम्मा, उसमें कहा चतवारी तस्य, इन्होंने कहा चत्तारो धम्मा बढ़ ढंती, अर्थात वर्धनते को बढ़ ढंती कह दिया कि भाई बढ़ गए। हरियाणवी में इधर भी कहते बढ़ना, या वैसे भी शुद्ध हिंदी में बढ़ना कह देते वर्धनते को, तो इन्होंने कर दिया बढ़ ढंती, आयु, आयु को आयु रख दिया, विद्या, विद दो, विद्या को विद दो कर दिया इन्होंने। उसके बाद यशो, यशो सा श, श, तो इन्होंने शा को सा कर दिया यहां पर, यशो यशो, और बलम, बलम को बलम रख दिया। ये ऐसे का ऐसे संस्कृत का जो यहां पर मनुस्मृति का श्लोक है, ऐसे का ऐसे धम्मपाद में आ गया। और उसके बाद भी भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को जला दिया। ये कितनी बड़ी विडंबना है इस देश की, अत्यंत निंदनीय है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने बुद्ध धर्म तो अपनाया लेकिन महात्मा बुद्ध के धम्मपाद पुस्तक को नहीं पढ़ा। यदि पढ़ा होता तो क्या उन्होंने महर्षि मनुस्मृति से लिया गया श्लोक ऐसे कैसे धम्मपाद में नहीं पढ़ा, उसके बाद भी उन्होंने उस ग्रंथ को जलाया। कितनी बड़ी विडंबना इस राष्ट्र की, इससे ज्यादा और क्या दुख की परिस्थिति हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती। इससे यह पता लगता है कि उनको केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करनी थी। आज भी मायावती ये बार बार कहती है कि मैं बुद्ध बन जाऊंगी, मैं बुद्ध बन, धमकी देती है। अरे जिसको बनना उसको कोई रोक नहीं सकता, वो बनेगा भाई। किसी को मुस्लिम बनना, बन जाइए, क्या होगा, होगा क्या, बन के देख लीजिए, 308 जातियां, बन के देख लीजिए, समस्या ही समस्या। खैर एक और देता हूं मैं, केवल एक नहीं, एक और देता हूं।
बहुत बड़ा ये तथ्य है, बहुत बड़ा प्रमाण है कि धम्म पाद में हमारे श्लोक को ऐसे कैसे, इसमें बहुत पुरुषार्थ और मेहनत लगती है, ये चीज किस प्रकार से निकाली गई है और फिर यहां पर ये मैं बता रहा हूं आपको, कितना बड़ा प्रमाण, कितना बड़ा तथ्य है। मैं मानता हूं कोई ठीक ठीक है हिंदू भाई होगा और किसी भाई को समझाना चाहता होगा तो इससे बड़ा प्रमाण है इस संसार में अन्य कोई मिलने वाला नहीं है। देखिए जानी कैसे, मनुष्य स्मृति में आया है न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितम शिराः। अब इसमें क्या किया गया, धम्मपाद के 19वें अध्याय का 5वां सूत्र पढ़ लेना जाके, ऐसे का ऐसे ये अध्याय 2 का है मनुष्य स्मृति में, न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितम शिराः। अब इसमें धम्मपाद में क्या किया, न तेन ऐसे का ऐसे रख दिया, वृद्धो की जगह कर दिया थेरोसी, थेरोसी कर दिया, भवती की जगह कर दिया होती, भवती मतलब होती होता है, होती भवती का अर्थ होता होती, तो इन्होंने अपनी लोकल भाषा में होती कर दिया, ये नास्य ये नस्य कर दिया, कुछ इसमें बदलाव नहीं, ये नास्य ये नस्य कर दिया, पलितम पलितम शिरह, शिरह की जगह कर दिया सिरो, ये होता है, ये थोड़ा सा लोकल में इसी प्रकार से आता, सिरो कर देते, शिरह सिरो, श को स कर दे रहे ये, तो इनको उच्चारण की शुद्धता नहीं पता थी, इतना वेद आदि का अध्ययन नहीं किया था इन लोगों ने, और महात्मा बुद्ध ने भी वेद आदि ज्यादा नहीं पढ़े थे, लेकिन धर्मात्मा थे, उन्होंने जिस वेद की आज्ञा का अपने जीवन में आचरण में लेकर आए उसकी शिक्षा उन्होंने दी और उस समय पर उनका प्रभाव काफी बढ़ा। तो ये दो दो श्लोक जो मनुष्य स्मृति के ऐसे कैसे धम्मपाद में है और जो पंचशील का सिद्धांत है बुद्ध धर्म या जो मानते हैं वो ऐसे का ऐसे मनुष्य स्मृति से और महर्षि याज्ञवल्क्य जी के धर्म साधन और धर्म लक्षणों से लिया गया। कौन ऐसा बड़ भागी होगा आज के बाद भी जो ये कहेगा कि बुद्ध धर्म एक अलग धर्म है, बुद्ध ने एक अलग धर्म बनाया, बुद्ध के नाम पर एक अलग धर्म, एक अलग संप्रदाय खड़ा हो गया, यह दुर्भाग्य है इस राष्ट्र का और इस संसार का कि बुद्ध के नाम पर एक अलग धर्म बन गया, जबकि महात्मा बुद्ध ने केवल वेद की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार अपने समय पर किया था। ये उनके ही तथ्य और प्रमाण दे रहा हूं, राहुल आर्य का इसमें कुछ नहीं है। अब जो लोग इसको ये कहे महर्षि ये महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं थी तो वो गहरी भांग के नशे में मैं कहूंगा। ये इसी प्रकार की बात हुई जैसे विमान का आविष्कार तो हमारे यहां शिवकर बापूजी तलपड़े ने किया लेकिन उसका नाम लिख दिया गया राइट ब्रदर्स, कितनी बड़ी विडंबना है। गैलीलियो के नाम पर खोजे हैं, अन्य अन्य विद्वानों के नाम पर खोजे हैं लेकिन हमारे यहां भास्कराचार्य को भूल गए क्या, आर्यभट्ट को भूल गए क्या, रामानुजाचार्य को भूल गए क्या, ये कितनी बड़ी विडंबना है इस राष्ट्र की। अर्थात महात्मा बुद्ध की अपनी शिक्षाएं नहीं थी, मूल रूप से परमपिता परमात्मा का दिया हुआ वेद ज्ञान है जहां से ये चीजें चली हैं, किसी व्यक्ति विशेष की दी हुई नहीं है, ये सारी की सारी अच्छी चीजें परमपिता परमात्मा की दी हुई। हां उन्होंने जब भूल जाते हैं तो याद दिलवा देते, कह सकते हैं इस बात को कि मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था, राहुल आर्य ने याद दिलवा दी कि हमारे शास्त्रों में, इस बात को कह सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि राहुल आर्य ने एक नया ज्ञान दे दिया, इसकी खुद की उपज है ये, नहीं। अरे हमारा तो ये शरीर भी अपना नहीं है, ये शरीर भी परमात्मा का दिया हुआ है, वो बुद्धि भी परमात्मा की दी हुई, तो मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं। तो अर्थ ये हुआ इस वीडियो का मूल मूल कि यहां पर जो भी भाई है जो तथा कथित आज अपने आप को दीनहीन दलित कह करके और धर्म परिवर्तन की ओर दूसरों को मोड़ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता है कि हम किस ओर जा रहे हैं। जहां भी जाएंगे वहीं वैदिक सनातन धर्म मिलेगा, इससे अतिरिक्त आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मूल तो वहीं से है, जड़ तो वही है, शाखाएं अलग अलग हो गई तो क्या हुआ। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो आपका अपना YouTube चैनल थैंक्स भारत है, इसको सब्सक्राइब करें और कराएं ताकि वैदिक धर्म सनातन धर्म पूरे संसार में छाए और शांति और भाईचारा हर जगह देखने को मिले। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें। धन्यवाद, जय श्री राम, नमस्ते।